प्रधान जी, आज किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने? आज की किसान संगठनों की, जन कल्याण मंच की और कुछ का प्रतिनिधियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें भारी बारिश और ओलावृष्टि से जो गेहूँ फसल हरियाणा में खराब हुई है, हरियाणा सरकार उसका बोनस की मांग करते हैं। वो तो सरकार ने करना है भाई कितना बोनस, लेकिन हमारी ये मांग है कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हरियाणा सरकार ने इसको बोनस देना चाहिए। और जो इसके लिए आज की जो हमने कई मंच को मजबूत बनाने के लिए कई पदाधिकारियों की घोषणा भी की है, इसमें हमने मनजीत दूण को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और 8 जो हमारे जीन जिला के जो 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों के प्रधानों की भी हमने नियुक्ति कर दी है। और इस मंच को मजबूत बनाने के लिए हम पानीपत या पलवल में अप्रैल के बाद जो गेहूं कटाई का समय हो लेगा, मई के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में पानीपत में या पलवल में वहां के पदाधिकारियों से बातचीत करके एक सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे, जिसमें खाप प्रधान भी होंगे, खाप प्रतिनिधि भी होंगे, जन कल्याण मंच भी होगा और हमारे जो किसानों के संगठन है वो भी होंगे। इसमें MSP पर गारंटी कानून और हमारा जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है अभी तक लागू नहीं हुई उसके लिए, और प्राकृतिक खेती और हिंदू मैजेट एक गाँव में गोत्र का जो हमारा जो आंदोलन चला हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, इन 4 मुद्दों को, 5 मुद्दों को लेकर हम एक बड़ा सम्मेलन वहां पर बुलाने जा रहे हैं, इसलिए आज की ये जो मीटिंग थी वो बुलाई गई। धन्यवाद।